बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। जिस तरीके से जो आंकड़े का अगर हम जिक्र करें, मुलायम सिंह यादव का ही जिक्र कर लें, तो जो उनके जीत का जो सिलसिला था, जो रिकॉर्ड वोट थे, वो कहीं ना कहीं पिछले लोकसभा के चुनाव में घटे थे। 90,000 पर आकर के सिमट गया वो आंकड़ा। और ऐसे में अब उनके इस दुनिया में न रहने के बाद जिस तरीके से बीजेपी ने वहां शाक्य वोटरों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई है, कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं इस चुनाव को लेकर? देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए हर चुनाव एक चुनौती के रूप में होता है और हम संगठन के माध्यम से और पार्टी के पदाधिकारियों और पार्टी के नेताओं के माध्यम से चुनाव लड़ने का पूरा प्रयास करते हैं। वो अलग बात है कि हम पे कोई संस्था नहीं है, हम पे कोई सरकार नहीं है, तो हमारा चुनाव जो लड़ने का तरीका वो बिल्कुल निष्पक्ष है। अब ये सवाल उठते जिसमें विजय रथ लेके जो निकले हैं, जो जिनकी डिक्शनरी में हार शब्द नहीं है, वो सिर्फ जीतना चाहते हैं, बड़ी भूख है उन्हें जीतने की। लेकिन मैं थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण ये मानना शुरू कर रहा हूँ धीरे धीरे, मैनपुरी, रामपुर, खतौली निश्चित तौर पे उपचुनाव है, होने भी चाहिए और हर जगह होंगे, चुनाव होंगे, लोग जीतेंगे। सवाल कब ये पूछा जाएगा कि इन क्षेत्रों का हाल क्या हुआ? जाहिर तौर पर है क्षेत्रों का हाल क्या है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल और इस चुनाव में देखने को मिला। उपचुनाव में जो है वो चचा शिवपाल यादव आज भी फोन का इंतजार कर रहे हैं, उनसे जब भी पूछा जाता है, मुझे लगता है जब से उन्होंने पार्टी का गठन किया, जब से आपसे अलग हुए समाजवादी पार्टी से, तब से उनसे जब भी कोई सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं 2-4 दिन बस इंतजार कीजिए, अगला पत्ता खोलेंगे, बहुत जल्द हम बताएंगे आपको रणनीति क्या होगी अगली। फोन का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, अब वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, समाजवादी पार्टी से उनका बहुत लंबे समय तक नाता रहा है, और चूंकि उनका सिंबल सीज हो गया था, खत्म हो गया था, तो समाजवादी पार्टी के सिंबल से पुनः विधायक बने। अब उनके बारे में मैं जवाब मैं कैसे दूं,